मैं हूं मुस्कान और ब्लेस टीवी में आप सभी का स्वागत है। कालकाजी मंदिर भारत की राजधानी शहर दिल्ली में एक लोकप्रिय और अत्यधिक सम्मानित मंदिर है। कालकाजी मंदिर कालका में स्थित है, एक इलाका जिसका नाम मंदिर के नाम से लिया गया है। यह मंदिर कमल मंदिर और इस्कॉन मंदिर से नजदीक है। यह मंदिर कालका देवी, देवी शक्ति या दुर्गा के अवतारों में से एक को समर्पित है। कालकाजी मंदिर को जयंती पीठा या मनोकामना सिद्ध पीठा भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि भक्तों की सभी इच्छाएं देवता देवी कालका ने यहां पूरी की हैं, जिन्होंने इस मंदिर को अपना निवास स्थान के रूप में लिया है। सामान्य धारणा ये है कि यहां देवी कालका की छवि एक आत्मनिर्भर है और यह मंदिर सत्य युग की तारीख है, जब देवी कालका ने अन्य विशाल राक्षसों के साथ दानव रक्त बीज का वध किया था। लाखों साल पहले मंदिर के पड़ोस में रहने वाले भगवान को दो विशाल दानव कष्ट देने लगे और परिणाम स्वरूप उन्होंने सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी से शिकायत की, लेकिन ब्रह्मा जी ने बीच में आने से मना कर दिया और उन्हें मां पार्वती के पास जाने के लिए कहा। तभी मां पार्वती के मुख से कौशिकी देवी निकली, जिन्होंने उन दो दानवों पर आक्रमण कर उन्हें मार डाला, लेकिन जैसे ही उन दो दानवों का रक्त सूखी धरती पर गिरा, वैसे ही जमीन में हजारों दानव जीवित हो गए और विविध बाधाओं के बावजूद कौशिकी देवी लड़ती रही। यह सब देखकर मां पार्वती को उन पर दया आ गई और परिणाम स्वरूप कौशिकी देवी की बोहों से मां काली देवी निकली, जिनके निचले ओंठ नीचे पहाड़ियों पर और ऊपरी ओंठ आकाश को छू रहे थे। आते ही उन्होंने मरे हुए दानवों का रक्त ग्रहण किया और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इसके बाद मां काली देवी ने उसी जगह को अपना निवास स्थान बना लिया और तभी से उनकी पूजा उस स्थल की मुख्य देवी के रूप में की जाने लगी। माना जाता है कि देवी कालका जी प्रार्थना करने से खुश होती हैं और वरदान देती हैं। वर्षों से देवी कालका जी वहां रहते हुए अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। महाभारत के समय भगवान कृष्णा और पांडव ने यही देवी की पूजा की थी। आज भी उत्सवों के आयोजन के साथ साथ कालका जी मंदिर में रोज देवी काली की पूजा की जाती है। रोज देवी काली की मूर्ति का अभिषेक दूध से किया जाता है। अभिषेक के बाद सुबह 6 बजे और शाम 7:30 बजे आरती की जाती है। ये पूजा मंदिर के पुजारियों द्वारा ही की जाती है। हर रोज हजारों श्रद्धालु यहां देवी के दर्शन के लिए आते हैं और मां कालका देवी का आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्र के समय श्रद्धालुओं की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच जाती है। पर्यटकों के लिए ये मंदिर देर रात तक खुला रहता है। पर्यटक मंदिर के आसपास के मनोरम वायुमंडल का आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही और मंदिरों का इतिहास जानने के लिए देखते रहिए ब्लेस टीवी।